सिंपली आप लोग देख सकते हो, मैं भी इसी मेथड को फॉलो करती हूँ एंड आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियो जो है। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिलीज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे यूट्यूब के कोई भी वीडियो को सर्च इंजिन में रैंक करवा सकते हो। सिंपली आप लोग अपने वीडियो को सर्च इंजिन में रैंक करवा लेते हो तो इसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जब कोई भी बंदा उस टॉपिक पर वीडियो सर्च करेगा तब आपके वीडियो रैंक पर रहेगा, तो वो बंदा जरूर से आपके वीडियो को देखेगा एंड आपके वीडियो देखेगा तो आपका जरूर से वॉच टाइम भी बढ़ेगा एंड आपके वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइबर भी आएगा। तो सिंपली दोस्तों आप लोग अपने वीडियो को सर्च इंजिन में रैंक करवाओगे कैसे? देखिए सारा जो चीज होता है एसईओ के मदद से, यानी कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों को अच्छे तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है, उससे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं। सिंपली दोस्तों कीवर्ड दो टाइप के होता है, पहला शॉर्ट टेल कीवर्ड, दूसरा है लॉन्ग टेल कीवर्ड। आप लोग एक न्यू यूट्यूबर हो, ज्यादा आपका जो पहचान नहीं है यूट्यूब पर, तो आप लोग सिंपली कौन से कीवर्ड को चूज करोगे तो आप लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों सिंपली आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड को चूज करते हो तो आप लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। वो क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग जान लीजिए शॉर्ट टेल कीवर्ड किसे कहा जाता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे कहा जाता है। देखिए 3 वर्ड तक जो भी कोई कीवर्ड होता है उसको कहा जाता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर्स, काइंड मास्टर वीडियोस, वीडियो काइंड मास्टर, पावर डायरेक्टर, इस तरह के जो 3 वर्ड तक जो कीवर्ड होते हैं उसे कहा जाता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। और लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट यूट्यूब चैनल ऑन एंड्रॉइड, क्रिएट यूट्यूब चैनल ऑन पीसी, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, क्रिएट यूट्यूब चैनल ऑन आईफोन, यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें, इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं उसे कहा जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। आप लोगों को सिंपली लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ फोकस करना है, शॉर्ट टेल कीवर्ड की तरफ आप लोगों को फोकस नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड में जो है कंपटीशन कम होता है, क्योंकि लोग जो यूट्यूबर होता है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कम यूज करते हैं, ज्यादातर जो यूट्यूबर होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड ही यूज करते हैं। इसी वजह से शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन ज्यादा होता है, इसलिए जिसके वीडियो पर व्यूअर ज्यादा रहेगा, एवरेज ड्यूरेशन वीडियो पर अच्छा होगा, उसके वीडियो ही रैंक करेगा। आप लोग एक न्यू यूट्यूबर है तो आपके वीडियो उनके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड को चूज करते हो तो उनके कीवर्ड से आपके कीवर्ड जो होगा डिफरेंट होगा, इसके वजह से आपके वीडियो जो है 101% सर्च इंजिन में रैंक करेगा। सिंपली आप लोग देख सकते हो, मैं भी इसी मेथड को फॉलो करती हूँ एंड आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियो जो है टेक्निकल योगी जी से पहले या टेक्निकल योगी जी से नीचे 2 से 3 नंबर रैंक पर मेरे वीडियो, हर एक वीडियो मेरे 2 से 3 नंबर पर शो करता है। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से अपने वीडियो को सर्च इंजिन में रैंक करवा सकते हो। और एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज करने से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप लोग एक टैग डाले हो हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल एंड एक बंदा सर्च कर रहा है यूट्यूब पर क्रिएट यूट्यूब चैनल, तब भी दोस्तों आपके वीडियो जो है, वो बंदा क्रिएट यूट्यूब चैनल सर्च करेगा तब भी आपके वीडियो जो है रैंक करेगा, क्योंकि आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर ही शॉर्ट टेल कीवर्ड छुपा हुआ है। ये सबसे बड़ा फायदा है लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज करने का। सिंपली दोस्तों आप लोगों को एक्स्ट्रा और कुछ मैं एडवाइस देना चाहती हूँ। देखिए आप लोग कीवर्ड तो रिसर्च करोगे, उसके साथ साथ आप लोगों को और कुछ चीज ध्यान में रखना है जिससे आपको और भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पहला जो है, आप लोग जितना हो सके आप लोग अच्छे से अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने की कोशिश कीजिए। और दूसरा जो चीज है, आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जरूर से हैशटैग डालिए, 3 हैशटैग आपके वीडियो रिलेटेड। और तीसरा जो चीज है, आप लोग डिस्क्रिप्शन पर रिलेटेड सर्चेस क्वेरीज बोलकर या वीडियो रिलेटेड कीवर्ड्स बोलकर आप लोग 8 से 10 कीवर्ड एक्स्ट्रा डाल दीजिए। ये जो चीज है सबसे ज्यादा नए यूट्यूबर को करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कीवर्ड होगा उतना ज्यादा आपके वीडियो जो है रैंक करने का चांस हो जाता है। कोई भी एक आपके कीवर्ड रैंक कर जाएगा तो हो सकता है एक दिन में आपका वीडियो हो जाए वायरल या आपके वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूअर्स भी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये जो चीज है एक दिन में नहीं होता है, मेरे भी एक दिन में नहीं हुआ था, 10, 11, 12, 13 इस तरह से थोड़ा बहुत व्यूअर्स आते थे। अभी जो मेरे वीडियो के ऊपर है अच्छे खासे व्यूअर्स आते हैं, थोड़ा बहुत 30-35 इसी तरह से। तो दोस्तों सिंपली आप लोग इसी मेथड को फॉलो कीजिए, आई एम श्योर आप लोगों को 101% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नीचे कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
और दोस्तों वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को जरूर से डिसलाइक कीजिए, क्योंकि मुझे पता चलता है लाइक और डिसलाइक से मैं कितना ज्यादा अच्छी वीडियो बनाती हूँ। तो आपसे फिर मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।